यहाँ आके मुझे जो एक चीज फील हुई वो ये कि चार्जर के बगैर आपको कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास कोई चार्जर नहीं था तो मेरी सारी डिवाइसेस जो है इन लोगों के चार्जर्स पे चार्ज हुई हैं। शुक्रिया भाई लोग, इसका पावर बैंक यूज किया, इसकी केबल यूज की है और भाई साहब का अडॉप्टर यूज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं रात से लाहौर में, रेलवे स्टेशन के पास हमने होटल लिया था जहाँ पे बहुत ही मुनासिब रेट में होटल मिल जाते हैं। 2200 रुपये में हमें ये कमरा मिला जहाँ पे हमने रात गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े से रात गुजरी और अब प्रोग्राम है इंशाल्लाह लाहौर मार्केट घूमने का। जो चीज़ें हमने प्लान की थी वो आज सारी पूरी कर गए और आज ही इंशाल्लाह निकलेंगे वापस गुजरांवाला जैसे अलकोट को। ये दो ऑप्शन है, इसके ऊपर पैसा अभी बाकी है। हो गए थोड़े कम पूरे? मैं तो सुबह करके बैठा। आप कब भाग रहे हो? बैठ के नीचे जल्दी करो। असल भी आपके काम पूरे? जी जी बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। अलहमदुल्ला कमरा हमने छोड़ दिया। मैं आज खाली हाथ आया हूँ, कोई सामान नहीं है सिवाय कैंप के और मोबाइल्स के। अब निकलते हैं इंशाल्लाह। आज की जो परचेजिंग वगैरह करनी है, हमने जो चीज़ें खरीदनी है वो देखते हैं मार्केट से हमें किस तरह और कब कहाँ कहाँ से मिलती हैं। अलहमदुल्ला ये होटल था जहाँ पे हम रुके थे और अब इंशाल्लाह निकल रहे हैं बाजार घूमने के लिए। ये फायदे हैं स्मार्ट बंदे के। नीला गुंबद आप सुबह सुबह पहुँच गए हैं। सुबह सुबह इसलिए आते हैं कि मार्केट लेट होती है। वैसे तो दिलावर साहब को हमने भेजा कि एक दफ़ा रेट चेक करके आए भाई, किलो का क्या रेट उन्हें मिलता तो उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ पे देखते हैं कोई खाने पीने का इंतजाम, क्योंकि दिलावर भाई की ख्वाहिश थी कोई रेडी वाले से नाश्ता करना, तो देखते हैं यहाँ पे कोई करीब रेडी वाला मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा, नज़दीक से ही मिल गया स्पॉट हमें खाने के लिए। और अब इंतजार है साबिर साहब का, आते हैं वो तो उनको लेके चलते हैं इंशाल्लाह। दिलावर साहब का, हाँ सॉरी दिलावर साहब का, करेक्शन पता करते हैं और किसे कौन नहीं आएगी। प्लानिंग में सबसे पहली जो बात और सबसे पहले जो कमिटमेंट थी मेरी सबके साथ वो ये थी कि हमने खाने के मामले में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और आज ही हमने नाश्ता नहीं किया माशाल्लाह। वो सामने रेडी वाला है, उसके पास हम नाश्ता देख के गए थे किसके पास नाश्ता करते हैं। अब पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद बाकी काम। ये आ गया हमारा लंच प्लस नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काम प्लेट खत्म करने के बाद ये हम प्यार बांट रहे हैं। जेब से अपनी नहीं खत्म हुई, इसने प्यार का बांटना है। पहला प्यार ही नहीं मुका। साइकिलें पहुंच गए हैं मैकेनिक के पास। हमें आमिर साहब के बारे में बताया गया कि उनके पास जाएं, तो अब देखते हैं क्या क्या सूरत आला और क्या क्या। तो साइकिल जो है माशाल्लाह रेडी हो गए हैं भाई। अब मुझे जाना पड़ेगा ट्राई लेने के लिए। चेक करने के बाद एक तो हैंडल में प्ले बाकी है और एक जो है फ्रंट वाले फुल गियर पे जो है वो आ नहीं रही चेन। भैया बहुत शुक्रिया। अच्छा सर जी, ओके अमर भाई, सलाम अलैकुम। साइकिलों का हो गया जी काम मुकम्मल, अब इनको खड़ा करते हैं डब्बे के पास और देखते हैं आगे हमारी साइकिलें जो नई लेनी है उनका क्या सूरत हाल है। तो ये वही वाली साइकिल शॉप जहाँ पे हम पहले आए थे, ये रही वो साइकिल जो हमारे साथ की है। कैसा सेहत, काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो है डायरेक्ट ही आपसे रब्ता किया, हमने कहा किसी कंसल्टेंट को ना ही लेके। तो साइकिलें यहाँ पे ये दो पसंद आ रही हैं मगर रेट की वजह से जो है वो थोड़ा सा पीछे डाउन हो रही हैं। अब देखते हैं क्या फाइनल होता है रेट, तो उसके बाद बताएंगे कि यही लिए कि कोई और नहीं है। पसंद है गोदाउन में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं साइकिलों की बहार। वहाँ पे तो शोरूम पे था वो तो था, ये असल में साइकिलों का स्टॉक। साइकिलों की हो रही है अनबॉक्सिंग। हाँ जी चल के जाएगी, एक साइकिल अनबॉक्स हो गई है, दूसरी का ये काम जा रही है। ये वाली साइकिल मेरी साइकिल के बिल्कुल साथ की है। अब चलते हैं शॉप पर, वहाँ इसकी होगी फिटिंग। अच्छा दोस्त, साइकिल की फिटिंग के लिए जो है कौन से टूल हम साथ रख लें कि रस्ते में अगर हल्का फुल्का कोई काम शाम थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो? ठीक है, इस दुकान का काम हो गया मुकम्मल और अब चलते हैं स्पेयर पार्ट्स वाली दुकानों पे। वहाँ मैं क्या कितने गए यार, साइकिल आते खड़ी ने हिसाब लाना दे, अकलमंदी है इन्हें। पता नहीं नजर नहीं आ रही। ले आए भाई साहब लो।
देख लिया उन्होंने जी आगे जी नई साइकिल। हाँ जी मैं पहुंच गया उस स्पेयर पार्ट वाली दुकान पे भी। दूसरे नंबर पे दिलावर साहब हमजा। अच्छा हाँ नीला गुंबद वाला हमारा काम मुकम्मल हो गया। साइकिल वगैरह जो एक्सेसरीज चाहिए थी साइकिल से रिलेटेड वो ले ली है और अब मेरी ड्यूटी है गाड़ी संभालना। अपनी साइकिल जो है वो मैंने इस गाड़ी के अंदर रख ली है क्योंकि साइकिल के बगैर तो ये ट्रिप पॉसिबल नहीं है ना। निस्बत रोड पे हम पहुंच चुके हैं और ये सामने कैमरा मार्केट है। इसके अंदर मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, यहाँ पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अब दिलावर साहब और बाकी जो काबीना हमारी वो आती है साइकिलों वाली, तो फिर उनके साथ मिलके जो है चीज़ें परचेज करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। यहाँ से लिए हमने दो माइक, एक ट्राइपॉड, एक दिया पता नहीं से क्या कहते हैं लुपी साइकिलें और असद को हमने यहाँ पे बिठा दिया। मैं इधर हूँ जी और आप इंशाल्लाह निकल रहे हैं गुजरांवाला को। साइकिलें यहाँ पे सारी की सारी और ये जगह थी हमारे जवान के लिए। चार साइकिलों के, पांच साइकिलों के नीचे बैठ के आया, सफ़र किया हुआ, क्या बात है। सुबह जो हमने नाश्ता किया था वो नाश्ता प्लस लंच था, अब डिनर के टाइम हम लंच प्लस डिनर कर रहे हैं। और हमारे पास है जनाब सब्जी, आलू गोभी, दाल चना हमारी फेवरेट और तंदूर की रोटी, साथ में हल्का सा मज़ेदार सा देसी अचार और अब हम करेंगे इंजॉय। और कुछ खाना मुंडियो? चार चाय नहीं पाँच, पाँच सॉरी पाँच। जो सब आप कुछ खाएंगे और कुछ कुछ खाना? चाय के बगैर तो खाना बुरा है बिल्कुल। और हम एंजॉय करेंगे चाय। तो आप लोगों ने जाना है कि नहीं? कपड़ा देना भाई, मैं अपनी गाड़ी साफ कर दूं। कपड़ा हम देंगे अब, अपर उतारो। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से उतारते हैं साइकिलें जल्दी जल्दी और उनको करते हैं खड़ा अंदर और करेंगे रेस्ट इंशाल्लाह। तीन साइकिल बाहर कर ली है, सामान सारा शिफ्ट करने के बाद रूम में पहुंचे हम और सबसे पहले आ गई हमारे पास चाय। चाय पीनी की सोना पीनी है चाय यार, और ले आओ इधर चाय शाय है। चाय पीनी की सोना हम पानी दो बताने वालों में से नहीं ना, हम पूछने वालों से हैं, हम करके दिखाते हैं। पानी दो पानी नहीं, हम तो चाय पीनी है, चाय पीनी है यार। सब कोर्स यू आर राइट यार, आपके लिए बची नहीं। चलो कोई गल नहीं, वो मेरे वाला मेरे से का कपड़ा वो आप पी लो ठीक है। हां मेनू पता लबन ने आई दूर ही। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, बस आप कर रहे हो। पियो पियो चला पियो ना कहने हमारा बहुत मजेदार रहा। चार लोग फ्रंट पे बिठा के कैरी बॉक्स में ड्राइव करने का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। तो रात वाली मेरी ड्राइविंग के बारे में तुम्हारे की राय है? अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमें यहाँ पे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सुबह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।